गुड मॉर्निंग dear स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो दैट today इज योर tune इन क्लास सो let's स्टार्ट आवर क्लास Today वी आर डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर nine, which इज़ समर हॉलीडेज ठीक है मतलब गर्मियों की छुट्टियाँ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इन दिस यूनिट वी विल लर्न हाउ टू डिस्क्राइब एंड शेयर पर्सनल एक्सपीरियंसिस मतलब अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे मतलब कैसे दूसरों को विस्तार रूप से बताएँगे ये सीखेंगे लर्न टू टेल अ स्टोरी एक कहानी कहना हम सीखेंगे लर्न टू से वर्ड्स विथ आइट एंड आई मीन्स देखिए जिसके लास्ट में ये और ये दोनों लगे होते हैं ऐसे वर्ड्स हम लोग सीखेंगे ठीक है जिनका अंत इन दोनों से होता है ठीक है फिर क्या करेंगे लर्न टू स्ट्रेस वर्ड्स इन सेंटेंस टू कन्वे इट्स मीनिंग प्रॉपरली ठीक है मतलब कि वाक्यों में अर्थ को स्पष्ट रूप से बताने के लिए हम क्या करेंगे स्ट्रेस वर्ड्स मतलब कुछ वर्ड्स पे जोर देंगे ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रामर गाइड इंटरेस्टिंग लैंग्वेज पॉइंट्स ठीक है हम ग्रामर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को पढ़ेंगे वेन वी वॉन्ट टू नरेट अ स्टोरी मतलब जब हम एक स्टोरी को नरेट करने जाते हैं देन वी मे यूज़ सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस ठीक है जब हम कोई स्टोरी सुनाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं हम कुछ वर्ड्स का वर्ड्स uh, को क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं जैसे देअ वॉज आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी स्टोरी की शुरुआत करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं देअ वॉज अ पुअर फार्मर ठीक है या फिर हम क्या बोल सकते हैं देयर वर ट्वेल्व थीव्स ठीक है आप सभी को पता है कि अगर सिंगुलर वर्ड का यूज होता है तो वहां पे सिंगुलर के साथ वॉज का यूज होता है और प्लूरल के साथ वर का यूज होता है ठीक है सो देयर वॉज अ पुअर फार्मर ठीक है इसका हम ये कब यूज करते हैं टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स ऑफ मेन इवेंट ठीक है मतलब जब भी हम कोई स्टोरी सुनाते हैं जो उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है तो उसकी शुरुआत हम इंट्रोडक्शन जब उसकी करते हैं तो देयर वॉज़ अ पुअर फार्मर ऐसे ही बोलते हैं ठीक है चलिए अगली लाइन पे हम चलते हैं ही अगर लड़का है तो ही ठीक है और अगर कोई फीमेल है तो शी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इट का या फिर अगर प्लूरल में है वो तो दे का यूज़ करते हैं ठीक है ही यूज़ टू मतलब ये हम इसका यूज़ हम क्यों करते हैं टू डिस्क्राइब देयर हैबिट और डेली रूटीन ठीक है मतलब उसकी जो डे बाई डे की जो हैबिट है या उसका जो रूटीन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं यूज टू का यूज़ करते हैं ठीक है वाइल ही शी इट दे ठीक है आपको पता है कि सिंगुलर के साथ वॉज का और प्लूरल के साथ वर का यूज़ होता है ठीक गोइंग ईटिंग स्पीकिंग वॉकिंग ठीक है फिर टू डिस्क्राइब अनादर इवेंट दैट टुक प्लेस वाइल द पर्सन वॉज ऑलरेडी डूइंग समथिंग ठीक है इसका हम यूज कब करते हैं जब वो इंसान ऑलरेडी कुछ कर रहा हो ठीक है तब हम वाइल का यूज़ करके फिर आगे ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं ठीक है फिर क्या आता है ही शी इट दे ठीक है इसमें से जो भी आपके कैरेक्टर के अनुसार मतलब आप जिसकी भी स्टोरी सुना रहे हैं उस उसके साथ जो भी हो चाहे वो अगर मेल है तो ही फीमेल है तो शी ऑब्जेक्ट है तो इट और या फिर प्लूरल है तो दे का यूज़ आप कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके कैरेक्टर के ऊपर ठीक है सेड मतलब बोला सॉ मतलब देखा वॉक मतलब चला मूव मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ठीक है टू डिस्क्राइब वॉट अ कैरेक्टर इन द स्टोरी सेड और डेड मतलब ये हम ऐसे क्यों बोलते हैं जब हमें स्टोरी में ये दिखाना होता है कि जो मेन कैरेक्टर है वो आ, कुछ बोल रहा है तो हम सेड का यूज़ कर सकते हैं ठीक है ठीके? फिर और अगर कुछ कर रहा है तो वॉकड या मूव का भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है ठीके? ओके एग्जाम्पल ठीक है अब इतना जो ये ऊपर जो अभी हम लोगों ने ये ऊपर जो हम लोगों ने अभी जो रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग अब देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है ठीक है देखो एग्जाम्पल देर वॉज अ फ्लड इन आवर विलेज टू ईयर्स एगो ठीक है मतलब हमारे गांव में दो साल पहले क्या था बाढ़ आई हुई थी वी यूज टू गो टू द टाउन वंस अ मंथ टू शॉप ठीक है हम अपने गांव में महीने में एक बार ही जाया करते थे किस लिए शॉप शॉपिंग के लिए ठीक है ड्यूरिंग द फ्लड We could not go to the town. मतलब कि जब बाढ़ का समय था तो हम लोग क्या करते थे हम लोग टाउन में नहीं जा सकते थे हम लोग शहर में नहीं जा सकते थे ठीक है फिर एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप वी डिसाइडेड टू मेक थिंग्स ऑन आर ओन मतलब हमने डिसाइड किया कि हम जो सामान है वो खुद से बनाएंगे ठीक है बेटा तो ये आप एक एग्जाम्पल के रूप में आप इसको ले सकते हो ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं वर्ड विज आर यूजफुल वर्ड एंड फ्रेजेज यू कैन यूज़ दिस फ्रेजेज टू नरेट द स्टोरी ठीक है आप किसी स्टोरी को नरेट करने के लिए इन फ्रेजेज का यूज़ कर सकते हैं टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू स्टोरी ठीक है मतलब जैसे अगर आपको किसी को स्टोरी सुनाना है तो आप स्टार्टिंग में ये बोल सकते हो कि बेटा टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अट्टोरी मतलब आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ ठीक है इट इज़ दोरी ऑफ मतलब ये जो स्टोरी है वो है किसकी इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंस और अ किंग और अ कैसल मतलब जिसकी भी आप स्टोरी सुनाने जा रहे हो उसको यहाँ पे आप मैंशन करोगे वन डे वाइल अ सेज वॉज मतलब एक दिन वाइल अ सेज वॉज ठीक है इसके आगे आप खुद से यहाँ पे ऐड करेंगे ही सा टू मतलब उसने देखा टू फिर आगे जो भी आपको ऐड करना है आप कर सकते हैं ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं हम देवर वा... दे वर वोंडेड मतलब वो घायल थे ठीक है अ हंग्री जयकाल वॉज इसके आगे आपको जो ऐड करना है आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू ठीक है ही स्टार्टेड फिर यहाँ पे आपको जो ऐड करना है ठीक है फिर द सेज मतलब वो जो साधु था द जयकाल केम नियरर टू देन द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ये भी आप, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप स्टोरी जैसी भी स्टोरी आप यहाँ पे ऐड करने वाले हो तो उसके अकॉर्डिंग आप एक मोरल अपने तरफ से बच्चों को या जिसको भी आप ये स्टोरी सुना रही हो उसको नरेट करने के लिए आप एक मोरल ऑफ द स्टोरी जरूर रखेंगे ठीक है ताकि जो आप स्टोरी सुना रहे हो उससे दूसरों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले सो दिस इज योर होमवर्क ओके आपको एक स्टोरी इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग अपने स्टोरी में इन सेंटेंस सेंटेंसेस को ऐड करते हुए आपको एक स्टोरी बनानी है ठीक है और मुझे सेंड करना है ओके वर्क इन वर्क इन पेयर्स डिस्कस विथ योर पार्टनर हाउ यू स्पेंड योर समा वैकेशन ठीक है मतलब अपने पार्टनर के साथ आप डिस्कस करिए कि आपने क्या किया समर वैकेशन अपनी कैसे बिताई हाय व्हाट्सएप ठीक है हाय तुम कैसे हो हेलो मतलब हेलो आई विजिटेड माई फैमिली इन कोची ड्यूरिंग द वेकेशंस ठीक है मतलब मैंने uh, मैं अपनी फैमिली को देखने गया था कहाँ पे वैकेशन्स uh, के थ्रू मैं अपने फैमिली से कोची मिलने गया था ठीक है ठीक है वॉट डिड यू डू देयर मतलब तुमने वहाँ क्या किया देन आई विजिटेड ऑल द टूरिस्ट स्पॉट्स ठीक है मतलब मैंने वहाँ पे जितनी भी टूरिस्ट स्पॉट्स थी वहाँ पे सब जगह मैं गया ठीक है देखिए ग्रामर गाइड ठीक है वेन वी वॉन्ट टू डिस्क्राइब द ड्यूरेशन ऑफ़ एन इवेंट वी यूज फॉर ठीक है जब भी हम किसी इवेंट uh, के ड्यूरेशन को दिखाना चाहते हैं टाइम पीरियड को दिखाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे फॉर का यूज करते हैं ठीक है एग्जाम्पल आई वेटेड फॉर फाइव मिनट्स मतलब आप यहाँ ये दिखा रहे हैं कि मैंने पाँच मिनट तक आपका वेट किया ठीक है वेन वी वॉन्ट टू स्पेसिफाई द टाइम वेन एन इवेंट बिगेन वी यूज सिंस ठीक है वेन वी वॉन्ट टू स्पेसिफाई द टाइम वेन एंड इवेंट बिगिन ठीक है मतलब वी यूज सिंस आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा कि मतलब निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ होता है और जहाँ पर टाइम फिक्स ना हो मतलब फाइव मिनट से ठीक है तो फाइव मिनट से जब आप कह रहे हो तो वो कौन से फाइव मिनट्स हैं आपको फिक्स टाइम नहीं पता है ठीक है लेकिन आप आप यहाँ पे सिंस का जब यूज़ करोगे तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ टाइम आपको दिया हुआ है I have been waiting here since 9 a.m. मतलब मैं नौ बजे से आपका वेट कर रहा हूँ ठीक है तो आप देख रहे हो यहाँ टाइम फिक्स है और यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है When we want to describe the time of the beginning and the ending of the event, we use from to and to ठीक है मतलब जब हम किसी समय की शुरुआत और एंडिंग दोनों बताना चाहते हैं ठीक है तो हम वहाँ पे क्या फ्रॉम एंड टू का यूज़ करते हैं जैसे आई वॉज एट द थिएटर फ्रॉम मतलब मैं थिएटर में था कब से टू पी एम टू फाइव पी एम मतलब मैं दो बजे से पाँच बजे तक कहाँ था थिएटर में था ठीक है आपको समझ में आया बेटा ओके ओके लिसन टू द वर्ड्स एंड रिपीट दैम नोटिस हाउ द लेटर्स इन रेड आर प्रोनाउंसड ओके ठीक है चलिए मैं वर्ड वर्ड्स को प्रोनाउंस करती हूँ और आप उसको सुनिए और मेरे साथ रिपीट करिए ठीक है राइट बाइट साइट साइट इन साइट वेबसाइट पोलाइट साइट राइट काइट डिस्पाइट फ्लाइट फाइट राइट नाइट ओके देन साइट High, light, tight. ठीक है तो आपने देखा कि इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं डू यू थिंक आइट एंड आइट मेक द सेम साउंड यस एज यू कैन सी हमने ऊपर अभी आई टी एंड आई जी एस टी ठीक है इनसे जिनकी एंडिंग हो रही है ऐसे वर्ड्स का हमने प्रोनौन्शिएशन किया तो आपने देखा होगा कि सबकी जो प्रोनाशिएशन थी वो लगभग सेम थी ठीक है ओके कैन यू थिंक ऑफ वन मोर वर्ड टू एड टू ईच लिस्ट ठीक है तो आपको इसमें ये जो ऊपर जो एक लिस्ट दी हुई है आपको इसमें यहाँ साइड में एक और वर्डिंग इसमें एक और वर्डिंग इसमें 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 इस और इसमें इन सब में एक एक वर्डिंग्स आपको और ऐड करनी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ट्राई टू से पार्टनर सी हु गेट दैम राइट फर्स्ट ठीक है अपने पार्टनर के साथ इन टंग ट्विस्टर्स को आप रिपीट करिए चलिए देखते हैं देयर वॉज अ राइटर कॉल्ड राइट ही

नोटिस हाउ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस आर सेड विथ मोर स्ट्रेस देन द रेस्ट ठीक है हम आगे जो सेंटेंसेस हैं उनको क्या करेंगे तेज स्वरों में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कुछ जो वर्डिंग्स हैं या सेंटेंसेज हैं उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं आर यू हंगरी क्या तुम भूखे हो वैन इज योर ट्रेन ठीक है तुम्हारी ट्रेन कब की है देन Which बुक are यू रीडिंग नाउ तुम अभी कौन सी बुक पढ़ रहे हो ठीक है विल यू गो टू वॉच द फिल्म विथ मी क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे वेन विल यू सबमिट योर notebook? तुम अपनी नोटबुक कब सबमिट करोगे हु केम विथ यू तुम्हारे साथ कौन आया ठीक है देन डू यू वॉन्ट चॉकलेट क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए कैन वी गो एंड प्ले outside the द रूम क्या हम बाहर जाके खेल सकते हैं क्या हम रूम के बाहर जाके खेल सकते हैं चलिए आइए इधर देखते हैं डिड यू नो द वे वी प्लेस स्ट्रेस ऑन सर्टन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड कॉल्ड इंटोनेशन इट ऑफन डिटरमाइंस द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस ठीक है मतलब जब हम किसी सेंटेंस uh, के सर्टन पार्ट्स पे फोकस करते हैं या uh, मतलब ध्यान देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं इंटोनेशन बोलते हैं ठीक है इट इट ऑफेंड डिटरमाइंस द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस मतलब वो क्या करता है वो हमें उस सेंटेंस की मीनिंग को प्रॉपर वे में समझाता है फॉर यस नो क्वेश्चन ठीक है मतलब किस लिए फॉर येस नो जो हाँ नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें द स्ट्रेस फॉल्स एट द एंड ठीक है जो स्ट्रेस होता है वो लास्ट में हम मतलब जैसे ये सेंटेंस है इसके लास्ट में वो चीज़ें आई यू हंग्री क्या आप हंग्री हो ठीक है फॉर डब्ल्यू एच क्वेश्चन मतलब डब्ल्यू एच क्वेश्चन मतलब आप देख सकते हो जो प्रश्न जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे क्वेश्चनिंग वर्ड्स जो होते हैं डब्ल्यू एच देखिए वेन में डब्लू एच का यूज स्टार्टिंग में हुआ है विच में डब्लू एच की स्टार्टिंग हुई है देन वैन हु ठीक है इसमें आप देख सकते हो ये ये जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं इन्हें हम डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं ठीक है द स्ट्रेस इज एट द बिगनिंग ठीक है डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले जो होते हैं डब्ल्यू एच से जिनकी स्टार्टिंग होती है क्वेश्चनिंग वर्ड्स की तो उसमें क्या होता है उसमें बिगनिंग यानी शुरुआत में ही उसमें हम सेंटेंस पे स्ट्रेस देते हैं मतलब जोर देते हैं ठीक है आइए चलिए आगे पढ़ते हैं रिकॉल अ स्टोरी और एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स और अदर एल्डर हैव टोल्ड यू अबाउट एंड नरेट इट टू योर पार्टनर ठीक है मतलब कोई ऐसी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मतलब कोई ऐसी इंटरेस्टिंग घटना को या फिर कोई ऐसी स्टोरी जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने या जो भी आपसे बड़ा है आपको अगर किसी ने सुनाई है तो आप अपने पार्टनर के साथ उसे डिस्क्राइब करिए ठीक है इमेजिन दैट यू गॉट अ सुपर पावर फॉर अ डे आप इमेजिन करिए कि आपको एक दिन के लिए कोई सुपर पावर मिल गई है टेल योर क्लासमेट अबाउट द सुपर पावर एंड वॉट यू डिड फ़ॉर द इंटायर डे ठीक है अपने दोस्तों से शेयर करिए कि आपको कौन सी सुपर पावर मिली है और आपने दिन भर में क्या किया डिड यू हेल्प सम पीपुल क्या आपने किसी की मदद की और डिड यू जस्ट हैव फन विद योर फ्रेंड्स या फिर आपने सिर्फ अपने दोस्तों के साथ मस्ती की ठीक है तो आप ये जो आपकी इमेजिनेशन है वो आप मुझे राइट करके भेजेंगे ठीक है ओके सो यहीं पर हमारी क्लास खत्म होती है इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर सो यू कैन आस्क मी Okay, thank you.